नमस्कार, राघवेंद्र ई क्लासेस के वोकैब सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आपको सारे वर्ड्स अच्छे से याद हो गए होंगे, क्योंकि भाई वो वर्ड्स इजी हैं, थोड़े से अच्छे भी हैं, पर इम्पोर्टेंट बहुत हैं। अभी जो रिसेंटली पोल क्रिएट किया गया था उसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत जवाब दिया था। अगर करवाने के बाद इतना बाद भी अगर आप गलत जवाब दे रहे हो तो मतलब सिली मिस्टेक इजी वर्ड्स में ही होती है, क्योंकि जब चार ऑप्शन दिए जाते हैं उन ऑप्शंस में से बहुत जरूरी होता है कि हम करेक्ट ऑप्शन को चूज करें। तो जो क्विज हुई है, जो पोल क्रिएट हुए हैं इस वीडियो के एंड में, उन सब के जवाब आज दे दिए जाएंगे, क्योंकि मुझे मेरे पास बहुत मैसेजेस आए हैं कि जितने वोकैब 6, 7, 8 और जितने भी पोल्स क्रिएट हुए हैं उनके आंसर करा दीजिए। तो आप वीडियो के एंड में उनके आंसर आपको आज मिल जाएंगे। आज का वर्ड हम शुरू करते हैं, स्टडी का वर्ड्स पढ़ेंगे आज हम। अभी हम फेसी वर्ड पढ़ चुके हैं, फोबिया पढ़ चुके हैं, बहुत सारे वर्ड्स हम रूट वर्ड्स पढ़ चुके हैं, आज हम रूट वर्ड्स पढ़ेंगे लॉजी के। देखो, लॉजी जब किसी भी वर्ड के एंड में जुड़ जाता है तो वो किसको डिनोट करता है, कि वो किसी स्टडी कर रहे हैं, कि हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो लॉजी जब सफिक्स में ऐड होता है, सफिक्स की तरह काम करता है, किसी वर्ड के एंड में जब जुड़ता है तो बात हो रही है किसी स्टडी की, साइंटिफिक स्टडी की, मतलब हम किसी चीज को बहुत रूट से पढ़ रहे हैं। पर अगर लॉजी आपका सफिक्स नहीं है, लॉजी आपका क्या है, एक एडजेक्टिव भी है, तब इसको हम बोलते हैं लॉगी। और इसका मतलब क्या होता है, स्लगिश। स्लगिश का मतलब क्या होता है, जो सोया पड़ा है, को कि वो सुस्त है, वो एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, मतलब लेजी है, खाली पड़ा रहता है। तो स्लगिश का मतलब क्या है, जो ढीला है, सुस्त है, बहुत बोरिंग भी कह सकते हैं एक तरीके से। तो स्लगिश मतलब थकाऊ है, जो थका पड़ा रहता है, कभी भी काम करने में एक्टिव नहीं होता, तब ये एडजेक्टिव होता है। तो लॉगी का मीनिंग क्या होता है, स्लगिश। और अगर लॉजी सफिक्स की तरह है, मतलब इसके किसी वर्ड के एंड में वो ऐड हो रहा है, तब इसका मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज की स्टडी हो रही है। तो आज हम सफिक्स की तरह लॉजी को पढ़ेंगे। तो अब बहुत सारे अच्छे वर्ड्स हम आज पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले मैं अभी आपके सामने चार वर्ड लिख रही हूँ, बहुत सिमिलर वर्ड है, एक छोटे से अल्फाबेट के चेंज से मीनिंग भी बदल जाता है। देखो, एथनोलॉजी, एथोलॉजी, एटमोलॉजी और आपका है एंटोमोलॉजी। एथनोलॉजी, एथनोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस, मानव जाति के ऊपर क्या किया जा रहा है, स्टडी किया जा रहा है, स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस। देखो, ह्यूमन रेसेस को स्टडी का मतलब क्या है, हम डिफरेंट डिफरेंट पीपल को, डिफरेंट डिफरेंट रेसेस के पीपल को स्टडी कर रहे हैं, उनके कल्चरल में, उनके बिहेवियर में जो डिफरेंस है उसका हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं, पीपल की हम स्टडी कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ओरिजन से हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन से हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। इससे बहुत ही मिलता जुलता वर्ड आता है, क्या, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमन बींग्स, मतलब हम क्या कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मैनकाइंड का मतलब मैं लिख रही हूँ, मैनकाइंड का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ आदमी की बात कर रही हूँ, मैनकाइंड का मतलब है ह्यूमन काइंड, ह्यूमन बींग्स, मतलब उसमें वुमेन भी इंक्लूडेड है। स्टडी ऑफ मैनकाइंड, या और आसानी से और आराम से कहूं तो क्या हो जाएगा आपका, ह्यूमन बींग्स। तो एथनोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी का एक सबसेट है, मतलब अगर वाइड रेंज में जाएंगे तो बात किसकी हो रही है, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी की एक टाइप है, क्या, एथनोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मतलब आदमी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ओरिजिन से हम क्या कर रहे हैं उसको स्टडी करें, कि आदमी का ओरिजिन कैसे है, वो उसका कल्चरल डेवलपमेंट कैसे हुआ है, सोशली वो कैसे डेवलप हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में कैसे डेवलप हुआ है, उसी की एक टाइप क्या है, एथनोलॉजी। मतलब उसमें हम ओरिजिन की बात नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन के पीपल को हम स्टडी कर रहे हैं, फिर उनके बीच में क्या है, रिलेशन एस्टेब्लिश करवा रहे हैं। तो सब वाइड रेंज में कहें तो एंथोलॉजी का कहूं, एंथोलॉजी पापा है और एथनोलॉजी उसका बेटा है, ठीक है।
अब आगे चलते हैं एथोलॉजी। अगर एथनोलॉजी से मैं एन को गायब कर दूं तो वर्ड बन जाता है एथोलॉजी। एन को गायब कर दिया तो इंसान मनुष्य हो गया, मतलब इंसान की अगर बुद्धि हट ली जाए तो वो क्या है, जानवर है। तो उसका एन हटा दिया तो बन गया क्या, एथोलॉजी। इसको क्या बन गया आपका, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। तो एथोलॉजी का मतलब क्या होता है कि हम किसको स्टडी कर रहे हैं, एनिमल के हाव भाव को। इसी से अगला वर्ड आता है आपका एटमोलॉजी। एटमोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ वर्ड्स। इंसान क्या है, वर्ड्स को बोलता है, तो मतलब वर्ड्स का ओरिजिन क्या है, वर्ड्स कैसे बन रहे हैं, कैसे उनकी स्टडी हो रही है, उनको क्या बोलते हैं हम, एटमोलॉजी। क्या हो गया ये आपका, स्टडी ऑफ वर्ड्स। जो रिसर्च चलती रहती है वर्ड्स की वो किस में आ जाती है आपकी, एटमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, देखो एंटोमोलॉजी में एक बहुत प्यारा वर्ड आ रहा है, एटम। साउंड से आ रहा है कि एटम से निकला है। एटम क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर मानी जाती है किसी भी एलिमेंट की, कंपाउंड की। जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उन्हें पता होगा एटम का, वैसे फर्दर डिविजन भी होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, पर बेसिकली कहें तो कहते हैं एटम छोटी से छोटी यूनिट है, ठीक है। तो एटम की साउंड से आ रही किसमें, एंटोमोलॉजी में। तो एंटोमोलॉजी क्या होती है आपकी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। अब कहोगे एटम और इंसेक्ट का भाई क्या लेन देन है, अगर आप ह्यूमन एनिमल्स किसी में भी बात करो तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, इंसेक्ट होते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि इंसेक्ट सबसे छोटे हैं। तो इंसेक्ट भी क्या है, सबसे छोटी यूनिट है, एटम भी क्या है, सबसे छोटी यूनिट है। तो मानते हैं कि एंटोमोलॉजी क्या है, हमारे जाति की, मनुष्य की जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनकी सबसे छोटी जाति क्या है, इंसेक्ट है। तो एंटोमोलॉजी आपकी क्या है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अब इसके साथ एक वर्ड और पढ़ लेते हैं, उसका मतलब क्या होता है, एंथोलॉजी। वैसे इनकी स्पेलिंग में, उसकी स्पेलिंग में बहुत डिफरेंस है, पर क्या है, साउंड बहुत सिमिलर सी आती है। एक वर्ड और लिख देती हूँ आपके लिए, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होती है भाई, कलेक्शन ऑफ पोएम राइटिंग। जितने भी आपके कवि हैं, कोई भी लेखक है, उनकी क्या होता है, एक संग्रह होता है किसका, राइटिंग्स का, पोएम का। तो उनको हम क्या कहते हैं, हम एंथोलॉजी। तो स्टडी करना किसका, कलेक्शन ऑफ पोएम्स राइटिंग्स, वो किसके अंदर आती है आपकी, एंथोलॉजी। तो क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ पोएम राइटिंग, किसी का भी क्या है, रिटर्न वर्क है, उसको क्या कर रहे हैं हम, स्टडी कर रहे हैं, वो किसके अंदर चला जाएगा आपका, एंथोलॉजी। तो बहुत सिमिलर से वर्ड हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से रिपीट करा देती हूँ, एथनोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस है, एथोलॉजी क्या है, एनिमल का है, एटमोलॉजी आपका इंसेक्ट का है, एंटोमोलॉजी आपका इंसेक्ट का है, और आप सॉरी एटमोलॉजी आपका वर्ड्स का है, और एंटोमोलॉजी आपका इंसेक्ट का है, और एंथोलॉजी आपका क्या है, कलेक्शन ऑफ पोएम एंड रिटर्न वर्क। ये चीज आपको क्लियर हो जाने चाहिए। अच्छे वर्ड्स हैं, फ्रीक्वेंटली पूछे भी जाते हैं, और जब ऑप्शन में चारों आ जाते हैं तो कंफ्यूज भी बहुत जल्दी कर देते हैं। चलो फिर हम अपने अगले वर्ड्स की तरफ चलते हैं, उम्मीद करती हूँ ये आपको याद हो गए होंगे। अब हम आगे वर्ड्स लेते हैं आपके, फिजियोलॉजी। साइकोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, और आपका क्या एक लेते हैं, ऑर्निथोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है, देखो फिजिकल, फिजियोलॉजी निकला फिजिकल वर्क। आप जब फिजिकल वर्क करते हो तो फिजिकल वर्क में क्या करते हो, आप बॉडी को अपने क्या है, मूवमेंट लेते हो, बॉडी को हिलाते हो, उनको क्या करते हो, मूवमेंट में लेके आते हो। तो फिजियोलॉजी भी यही है आपका। फिजियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो फिजियोलॉजी आप क्या है, स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। और साइकोलॉजी क्या होता है आपका, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। देखो सब बोलते हैं वो बहुत साइको हो गया है। साइको का मतलब क्या है, कहते हैं कि वो उसका जो मेंटल लेवल है, मेंटली जो बिहेवियर है वो अनस्टेबल हो गया है, वो कैसे भी बिहेव कर रहा है। तो मतलब साइको का मतलब किसके लिए करते हैं, जो पगला गया है उसको कहते हैं, मतलब उसका मेंटल लेवल क्या हो गया है, मेंटल बिहेवियर क्या हो गया, डगमगा गया है। तो साइकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। स्टडी ऑफ आपका क्या हो जाएगा, ये ह्यूमन बिहेवियर। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटो वर्ड हम यूज करते हैं टीथ के लिए।
ओडोंटोलॉजिस्ट भी क्या होता है कि जो आपके टीथ वगैरह का जो डॉक्टर हम उनको इलाज करता है उसी को हम ओडोंटोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। तो ओडोंटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ टीथ, टीथ की जो बीमारी है, टीथ की जो क्योर हो सकती है, मतलब जो भी टीथ से रिलेटेड स्टडी हो रही है वो किसके अंदर जाती है आपकी ओडोंटोलॉजी। तो स्टडी रिलेटेड टीथ कहाँ जाएगी आपकी ओडोंटोलॉजी में। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी में एक वर्ड आ रहा है डर्म, भाई जो डर्म वर्ड होता है वो हमेशा स्किन के लिए यूज किया जाता है। डर्म वर्ड कहीं भी आए वो कैको डर्म वर्ड होता है, कैको मतलब अगली, कैको का मतलब हमने पढ़ा था ना पिछली वीडियोस में, हम पढ़ चुके हैं कैको मतलब अगली और डर्म मतलब क्या होता है, जिसकी स्किन के बारे में हो रही है, मतलब जिसकी स्किन क्या है बहुत भद्दी है, बहुत अगली है। तो कैकोडर्म या कैकोडर्म वर्ड का आ रहा है तो मतलब किसकी हो रही है, डर्म हमेशा स्किन की बात होगी। देखो स्किन के जो डॉक्टर होते हैं उनको बोलते भी हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, जो स्किन की रिलेटेड डिजीज को क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। तो कैकोडर्म, कैको मतलब अगली, डर्म मतलब क्या है स्किन। तो सिमिलरली डर्मेटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ स्किन, स्किन की स्टडी करना, स्किन से रिलेटेड डिजीज की स्टडी करना किसके अंदर आता है आपका डर्मेटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ स्किन या स्किन रिलेटेड डिजीजेस किसके अंदर आएगा, डर्मेटोलॉजी मतलब स्किन के बारे में सब कुछ स्टडी करना। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी किसके लिए यूज करते हैं हम, बर्ड्स के लिए। तो ऑर्निथोलॉजी क्या है आपका, स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के बारे में सारी स्टडी करना किसके अंदर जाता है, ऑर्निथोलॉजी। तो ये क्या हो गया आपका, स्टडी ऑफ बर्ड्स। बहुत अच्छे वर्ड्स हैं ये और हमेशा कंफ्यूज करते हैं, भूलना नहीं है। फिजियो मतलब फिजिकल मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, साइको मतलब ह्यूमन बिहेवियर, ओडोंटोलॉजिस्ट के बारे में, डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन के बारे में, ऑर्निथो बर्ड्स के बारे में। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो ये वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से याद हो जा रहे हैं, मैं गारंटी दे रही हूँ। हम आज रोजी के इतने वर्ड्स करने वाले हैं कि इससे बाहर आपके पेपर में कभी वर्ड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। और अगर कोई बाय चांस नया वर्ड आ भी जाएगा तो आपको इतने वर्ड्स याद हो चुके होंगे कि आपको ऑप्शन में से 3 का मतलब पता होगा तो चौथा को आपको पता चल ही जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अब हम आपके आगे बढ़ लेते हैं, ओरोलॉजी, ओओलॉजी, ओलॉजी। देखो ओओलॉजी को याद करने का तो बहुत आसान सा तरीका है। देखो ओओलॉजी मतलब एक ओ, दो ओ, तीन ओ, तीन ओ एक वर्ड में, गिनती के 6 वर्ड है, उसमें 3 अल्फाबेट आपके क्या है, ओ है। कुकड़ू कू ओ मतलब कौन करता है, मुर्गा करता है भाई। उसमें कि उसमें भी क्या आते हैं, ऊ आते हैं, ओ को मुर्गे से क्या लेते हैं, अंडे लेते हैं। तो ओओलॉजी भी क्या होती है, स्टडी ऑफ एग्स, बर्ड के अंडों की स्टडी को ही क्या बोलते हैं हम, ओओलॉजी। तो क्या क्या हो गया, स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स एग, स्टडी ऑफ बर्ड्स एग, ठीक है। तो मतलब अंडों की स्टडी करने को क्या बोलते हैं, ओरोलॉजी। और ओरोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ माउंटेन्स, ओरोलॉजी आपका क्या होता है, स्टडी ऑफ माउंटेन्स। फिलोलॉजी, फिलोलॉजी क्या होता है, देखो फिल मैंने कहा था वर्ड जहां भी आता है बात होती है लवर की, और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। लवर और स्टडी मतलब स्टडी का ही वो क्या है, लवर है। तो जो स्टडी का लवर है वो क्या करेगा, लैंग्वेजेस को स्टडी करेगा, वर्ड्स को बनाना सीखेगा, वर्ड्स से बनते बनते क्या बनती है, लैंग्वेजेस। तो फिलोलॉजी का मतलब क्या है, कोई स्टडी को लव करता है, मतलब जो स्टडी को लव कर रहा है तो मतलब वो क्या करेगा, लैंग्वेजेस को क्या करेगा, स्टडी करेगा। फिलोलॉजी क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस या साइंस ऑफ लैंग्वेजेस। साइंस का मतलब ही क्या है, ज्ञान, विज्ञान, ज्ञान को ही क्या, नॉलेज को ही क्या कह रहे हैं हम, साइंस की उसमें लेते हैं। तो साइंस ऑफ लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेजेस में, लैंग्वेजेस में क्या आते हैं, वर्ड्स की फॉर्मेशन, वर्ड्स अल्फाबेट्स, अल्फाबेट से वर्ड्स, लेटर्स, लेटर से वर्ड्स, वर्ड्स से आपके क्या बन रही है, लैंग्वेजेस बन रही है। मतलब फिलोलॉजी क्या हो गया, साइंस ऑफ लैंग्वेजेस, मतलब वो वर्ड्स के साथ क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो फिलोलॉजी भी अच्छा वर्ड है। उसके बाद हम आगे चलते हैं अपने कुछ वर्ड्स की ओर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वर्ड्स यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब एक वर्ड होता है पैथोलॉजी। देखो हमने फोबिया में एक वर्ड पढ़ा था पैथोफोबिया, किसी को याद है पैथोफोबिया,
जिसको याद है वो जरूर बताए, पैथोफोबिया क्या था, फियर ऑफ गेटिंग सिक, जिसको बीमार होने से डर लगता है, जिसको क्या है रोग से डर लगता है, डिजीज से डर लगता है, वो क्या होता है आपका पैथोफोबिया। अब पैथोफोबिया नहीं है यहाँ पे, क्या पैथोलॉजी है, तो मतलब क्या कर रहे हैं डिजीजेस की क्या कर रहे हैं स्टडी कर रहे हैं, तो क्या हो गया ये आपका स्टडी ऑफ डिजीजेस, रोगों के बारे में क्या कर रहे हैं स्टडी कर रहे हैं। और इसी में एक वर्ड होता है नोसोलॉजी। नोसोलॉजी क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज को स्टडी करना। अब क्लासिफिकेशन ऑफ स्टडीज क्या होता है कि कुछ डिजीज आपकी बैक्टीरियल होती हैं, कुछ वायरस के बेस पे होती हैं, कुछ फंगल होती हैं जो फंगस से होती हैं, तो मतलब क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोजोआ से होती हैं, तो क्लासिफिकेशन कर दी ना हमें डिजीज की, ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये वायरस डिजीज है, ये आपकी प्रोटोजोआ की डिजीजेज है, तो मतलब क्या है स्टडी करना किसको, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज। तो स्टडी क्या हो गया आपका, ये क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, ठीक है, क्लियर है ये बात, अच्छे वर्ड है ये। अब इसके बाद हम आपके लिए और वर्ड अगर इंक्लूड करें तो हम कर सकते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, और एक वर्ड और लिख देती हूं मैं आपके लिए, साइटोलॉजी। एक वर्ड बहुत आजकल चल भी रहा है, वायरोलॉजी। देखो हिस्टोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ टिश्यू, बेसिकली स्टडी ऑफ टिश्यू बोलते हैं, पर मोस्टली हम इसकी जो एनाटॉमी है वो प्लांट टिश्यू तक ज्यादा हम कुछ कहते हैं प्लांट टिश्यू है, कुछ नॉर्मली सब टिश्यू को बोल देते हैं, तो स्टडी ऑफ टिश्यू बोल सकते हो, स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स को, जो एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स में क्या आता है टिश्यू आपका मेन पार्ट हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे जनरली लिख देते हैं इसको स्टडी ऑफ टिश्यू। एग्जाम में जनरल टिश्यू के बारे में ही पूछा जाता है, प्लांट टिश्यू आए तब भी आंसर क्या रहेगा आपका हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी, सी फॉर साइटो, सी फॉर सेल, सेल आपकी क्या होती है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आपका क्या होता है किसी भी चीज का, हमारी बॉडी है उसका क्या है प्लांट है, उसकी बेसिक सेल को क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट को क्या बोलते हैं सेल, तो साइटोलॉजी क्या हो गई आपकी स्टडी ऑफ सेल, कह सकती हूँ किसी भी बॉडी की जो मेन साइट है वो क्या है सेल है, ठीक है, तो वो आप साइटोलॉजी क्या हो गया आपका स्टडी ऑफ सेल। वायरोलॉजी है आपकी स्टडी ऑफ वायरस, आजकल हमारे जो हाल फिलहाल में लॉकडाउन किसी वजह से हो रहा है कोरोना की वजह से, कोरोना क्या है वायरस है, और आजकल हर कंट्री में किसकी स्टडी चल रही है वायरस की, किस वायरस की, कोरोना वायरस की, ताकि उसका एंटीडोट ढूंढा जा सके और इस लॉकडाउन की स्थिति को हटाया जा सके, तो वायरोलॉजी आपकी क्या हो गई स्टडी ऑफ वायरस, वायरस को बहुत अच्छे तरीके से क्या करना स्टडी करना। अब इसके आगे हम कुछ वर्ड्स और ले लेते हैं, अच्छे वर्ड्स हैं क्रोनोलॉजी, क्रोनोबायोलॉजी। देखो ये तो वर्ड मैं ले ही रही हूँ, उसके अलावा अब तक आप वर्ड्स पढ़ रहे थे, बायोलॉजी सबने सुना है, जूलॉजी सबने सुना है। बायोलॉजी क्या होता है, बायो हम वर्ड यूज करते हैं किसके लिए, लिविंग बींग्स के लिए, आपको पता है बायोप्सी का मतलब भी हमने कहा था किसी लिविंग टिश्यू को कट करना क्या कहलाता है आपका ऑपरेशन करना किसी लिविंग बींग का बायोप्सी, ऑटोप्सी किया था हमने किसी डेड बॉडी का जो मर चुका है उसका, उस पोस्टमार्टम को बोलते हैं ऑटोप्सी। सिमिलरली आपका बायोलॉजी क्या हो गया है स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, अब वो क्या है ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, तो मतलब इसी से आपकी दो टर्म निकलती है, एक बोटनी निकलती है, एक जूलॉजी निकलती है। बोटनी आपकी प्लांट के ओरिएंटेड होती है, जूलॉजी आपकी एनिमल लाइफ के ऊपर चली जाती है, तो बायोलॉजी क्या हो गई आपकी स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, जो भी इस सृष्टि में जिसके अंदर जान है उसकी स्टडी करना। और आपका जूलॉजी क्या हो जाता है जू, जू तो पता ही एनिमल्स को रखते हैं जू में, ठीक है, आजकल इंसान भी अब पिंजरों में ही हो गए अपने घर के, स्टडी ऑफ एनिमल किसमें चला जाएगा आपका जूलॉजी में। अब कुछ अच्छे वर्ड और लिख लेते हैं, एक होता है क्रोनोलॉजी और एक होता है क्रोनोबायोलॉजी। देखो क्रोनो का वर्ड मैंने पहले भी बताया था, क्रोनो मतलब क्या होता है, हम किसी चीज को क्रमबद्धता से पढ़ना, कि जैसे वो इवेंट हो रहा है, अगर कोई 1500 में चीज हुई, फिर वो 1500-1600 में हुई, फिर 1700 में कोई इवेंट हो रहा है, फिर 1800 में कोई इवेंट हो रहा है, तो हम उनको क्या है किसी क्रम से पढ़ रहे हैं, जिस टाइम पे वो अकर हो रहे हैं उसकी सीक्वेंस में हम उनको क्या है पढ़ते जा रहे हैं, तो किसी भी इवेंट्स की स्टडी करना उनकी क्रोनोलॉजी में, मतलब जिस टाइम पे वो अकर हो रहे हैं उस सीक्वेंस में किसी चीज को स्टडी करना क्या कहलाता है आपका
क्रोनोलॉजी, जितने भी पास्ट इवेंट्स हमारे हुए हैं उनको क्या है उस सीक्वेंस में स्टडी करना जिस सीक्वेंस में वो अकर हुए हैं, और क्रोनोबायोलॉजी, क्रोनो मतलब हम क्या है टाइम सीक्वेंस को पढ़ रहे हैं जिस सीक्वेंस में वो हो रहे हैं, और बायोलॉजी का मतलब मैंने पढ़ा था लिविंग बींग्स, तो टाइम और लिविंग बींग का कॉम्बिनेशन बन के क्या बना क्रोनोबायोलॉजी, मतलब ड्यूरेशन ऑफ लाइफ कि किसी भी जीव की ड्यूरेशन ऑफ लाइफ कितनी है उसकी स्टडी करना क्या कहलाया आपका क्रोनोबायोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ लाइफ ड्यूरेशन क्या हो गया आपका क्रोनोबायोलॉजी, और क्रोनोलॉजी क्या हुआ स्टडी ऑफ इवेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑकरेंस। ठीक है, तो ये आपकी वर्ड्स अच्छे वर्ड्स हैं, इनको समझना भी बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। अब हम और अच्छे चार वर्ड्स आपके सामने ले लेते हैं। क्रिप्टोलॉजी, नियोलॉजी, हेगियोलॉजी, क्रिप्टोलॉजी क्या होता है? क्रिप्टो वर्ड यूज करते हैं हम कोड्स के लिए। ठीक है, कोड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं क्रिप्टो, और लॉजी मतलब स्टडी, तो स्टडी ऑफ कोड्स को हम क्या कहेंगे क्रिप्टोलॉजी, स्टडी ऑफ कोड्स। नियोलॉजी, नियो वर्ड हमने क्रेसी में भी किया था, नियोक्रेसी नए लोगों की सरकार, जो क्या है इनएक्सपीरियंस्ड है उनकी सरकार, तो नियोलॉजी आपका क्या हुआ स्टडी ऑफ न्यू वर्ड्स, जो नए वर्ड्स पढ़ते हैं उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं हम नियोलॉजी। और हेगियोलॉजी क्या होता है स्टडी ऑफ सेंट्स, मतलब संतों की जो स्टडी होती है उनकी को क्या कहते हैं हेगियोलॉजी। याद करने का आसान सा, देखो इसमें वर्ड एक हे है एक जी है, एक वर्ड कहते हैं हे जी रे, किसके लिए यूज करते हैं हम किसी चीज की प्रार्थना के लिए। अब हे जी रे राम को क्या कर रहे हैं हम आह्वान कर रहे हैं, तो याद करने का सिंपल सा तरीका है हम हे जी रे से हम याद कर सकते हैं हेगियोलॉजी। हेगियोलॉजी का मतलब क्या होता है स्टडी ऑफ सेंट्स, साधु लोगों की स्टडी करना क्या कहलाता है आपका हेगियोलॉजी। अब एक वर्ड और कर लेते हैं हम जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या होता है स्टडी ऑफ अर्थ, अर्थ की हिस्ट्री जो उसके अंदर जो भी चीजें हो रही हैं उन चीजों को स्टडी करना आपका क्या कहलाता है जियोलॉजी। ये तो आपका क्या है सब्जेक्ट भी होता है। एक पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी आपका क्या होता है स्टडी ऑफ रॉक्स, क्रस्ट भी बोल देते हैं कि हम क्या है जितने भी अर्थ के ऊपर क्रस्ट है रॉक्स है उनकी स्टडी करने को क्या कहते हैं हम पेट्रोलॉजी। अब हमारे कुछ वर्ड्स और रह गए हैं उनको भी इसी वीडियो में इंक्लूड कर लेते हैं ताकि आपके लॉजी के कोई वर्ड छूटे। चलो अब हम कुछ और अच्छे वर्ड्स करते हैं जिससे पहले कि हम अपने वीडियो की समाप्ति की ओर चलें। चलो वर्ड लिखते हैं अभी आपके आगे, डेंड्रोलॉजी, इकोलॉजी, होरोलॉजी, जीनियोलॉजी, स्पिलियोलॉजी, और आपके वर्ड लिख देते हैं एक और फोनोलॉजी। ये भी अच्छे वर्ड हैं आपके लिए, और एक वर्ड और लिख देती हूँ आपके लिए आइकोनोलॉजी। ये सात वर्ड भी काफी अच्छे वर्ड्स हैं आपके। देखो हम शुरू कर लेते हैं, शुरू करते हैं। चलो फोनोलॉजी, फोनो वर्ड हम यूज करते हैं स्टडी ऑफ फोन, फोन भी तो आवाज आ रही है बात हो रही है साउंड की, तो फोनोलॉजी क्या होता है आपका स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ साउंड ऑफ वर्ड्स। फोनोलॉजी क्या हो गया आपका कि किसी वर्ड्स की क्या साउंड होती है उनकी स्टडी करना क्या हो गया आपका फोनोलॉजी। देखो स्टडी ऑफ साउंड के लिए एक वर्ड और भी आता है अकाउस्टिक बोलते हैं उसको, क्या वर्ड होता है आपका अकाउस्टिक। अकाउस्टिक्स क्या होता है आपका स्टडी ऑफ
साउंड. अकाउस्टिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ साउंड. ये क्या है? स्टडी ऑफ साउंड ऑफ वर्ड्स. साउंड ऑफ वर्ड्स की स्टडी को हम क्या कह देते हैं? फोनोलॉजी. और जब हम बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं तो फोनोलॉजी से वर्ड निकाल लेते हैं फोनेटिक्स. फोनेटिक्स क्या होता है? पर स्टडी ऑफ मतलब वर्ड्स की साउंड्स को हम क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं, पर वो और थोड़ी सी डिटेल में बात की जाती है तो उसको हम फोनेटिक्स में इंक्लूड कर लेते हैं. अकाउस्टिक होता है स्टडी ऑफ साउंड. वर्ड्स की साउंड को स्टडी करना आपका क्या हो जाता है? फोनोलॉजी. उसके आगे हम चलते हैं स्पीलियोलॉजी. स्पीलियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ केव्स. अब ये वर्ड मैंने अभी इसीलिए भी ऐड किया है कि आप सब बच्चे रामायण देख रहे हैं लॉकडाउन के टाइम में, और अब सुग्रीव जी आए हुए हैं तो गुफा वगैरह तो बहुत किष्किंधा की नगरी सारी गुफा में चल रही है. तो स्टडी ऑफ केव्स को हम क्या बोलते हैं? स्पीलियोलॉजी. जीनियोलॉजी क्या होता है? देखो वर्ड निकला है जीन से. जीन्स हमारे कहाँ से आते हैं? हमारे एंसेस्टर्स से आते हैं, हमारे पूर्वजों से आते हैं, हमारी एंशियंट फैमिली से आते हैं. तो जीनियोलॉजी का मतलब भी यही होता है, स्टडी ऑफ आवर एंसेस्टर्स, आवर एंशियंट फैमिली. हिस्ट्री की स्टडी करने को क्या कहते हैं हम? जीनियोलॉजी. क्या हो जाएगा आपका? स्टडी ऑफ एंसेस्टर्स, एंशियंट या हिस्ट्री की जो क्या है फैमिलीज के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है आपका? जीनियोलॉजी. होरोलॉजी. देखो होरोलॉजी बहुत ही होरोस्कोप जैसा साउंड करता है ना, कि होरोस्कोप. होरोस्कोप में हम क्या देखते हैं? हमारे बर्थ टाइम से, हमारे टाइम की हमारी जन्म डेट कब, उसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से, तिथि के हिसाब से हम अब क्या देखते हैं? अपने भविष्य को देखते हैं. मतलब देख क्या रहे हैं? टाइम के रेफरेंस में. तो होरोलॉजी वर्ड कहाँ से निकला है? होरोस्कोप से रिलेटेड. तो होरोलॉजी क्या हुआ कि किसको स्टडी करना? उस आर्ट को स्टडी करना जिसके साथ टाइम को मेजर किया जाता है. मेजरमेंट ऑफ टाइम और आर्ट ऑफ मेकिंग क्लॉक्स. मतलब क्या है? जो चीजें हमें क्या बता रही है? टाइम को बता रही है, टाइम को मेजर करके बता रही है, उनको स्टडी करना ही क्या कहलाता है आपका? स्टडी ऑफ होरोलॉजी. स्टडी ऑफ मेकिंग क्लॉक्स, वॉचेस को क्या बोलते हैं हम? होरोलॉजी. अब होरोलॉजी के साथ एक वर्ड और आ जाता है आपका, एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ यूनिवर्स, कि यूनिवर्स में प्लैनेट्स की, आपके सितारों की, ग्रहों की क्या है सिचुएशन, कैसी है उनकी प्लेसमेंट, कैसी है, उन सबको स्टडी करके आपके भविष्य को बताना ही क्या कहलाता है आपका? एस्ट्रोलॉजी. भविष्य भी क्या होता है? मतलब आपका आपके चीज, आपके जो इवेंट्स हैं लाइफ में वो कैसे होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स इन द यूनिवर्स. तो क्या होगी? स्टडी ऑफ प्लेसमेंट ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स इन यूनिवर्स. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? एस्ट्रोलॉजी. नीचे वाले पार्ट को मैं रब कर देती हूँ ताकि ऊपर वालों के लिए हमें क्या बच जाए? स्पेस बच जाए थोड़ा. इकोलॉजी. इकोलॉजी देखो, इको वर्ड हम ले रहे हैं इकोसिस्टम से. हमारा क्या है? इको सिस्टम है. तो इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इको सिस्टम. मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस और इंसेक्ट, जितनी भी चीजें हमारे इको सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं उनको स्टडी करना, और उनका आपस में कैसे रिलेशन है, वो कैसे एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, उन चीजों को स्टडी करना ही क्या कहलाता है आपका? इकोलॉजी. तो बहुत ही जनरलाइज मैं कह सकती हूँ क्या? स्टडी ऑफ आवर इको सिस्टम, स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स एंड बिहेवियर एंड हाउ दे एस्टेब्लिश रिलेशन विद देमसेल्फ इज कॉल्ड इकोलॉजी. डेंड्रोलॉजी. डेंड्रोलॉजी अगर जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको बहुत आसानी से पता है. डेंड्रो वर्ड मतलब जो क्या है यूज होता है बायोलॉजी में बहुत फ्रीक्वेंट है. आपके न्यूरॉन्स होते हैं उसके ऊपर कहते हैं कि बहुत डेंड्रार वेंटिकल्स, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है, निकले रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डेंड्रो वेंटिकल्स ही बोलते हैं. डेंड्रन मतलब एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है, कुछ डेंड्रो से रिलेटेड है. तो डेंड्रो वर्ड क्या है? न्यूरॉन्स में आपका ये पार्ट में आता है. तो डेंड्रो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम? अब देखो ये ऐसी चीजें आपकी ट्रीज की रूट्स में भी होती हैं. रूट्स में होती है ना, जड़ें होती हैं. जड़ों के भी ऐसे क्या है? डेंड्रव, नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, पर कुछ डेंड्रो रिलेटेड ही वर्ड होता है. डेंड्रोवेंटिकल्स या डेंड्रांटिकल्स कुछ ऐसा ही वर्ड है वो. तो उनको, इन्हीं को क्या कहते हैं? रूट्स किसमें होते हैं? ट्रीज की रूट्स में, ट्रीज की जड़ में, पेड़ों की जड़ों में होती है. इसलिए डेंड्रोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ट्रीज. पेड़ों की स्टडी को करने को ही क्या कहते हैं हम? डेंड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ ट्रीज. और आइकनोलॉजी. देखो आइकनोलॉजी मता पतला भी चल रहा है. आइकनोलॉजी निकला है आइकन से. आइकन को हमने पढ़ा भी था
क्या मूर्तियां, क्या पढ़ा था, आइकन मतलब मूर्ति, किसी की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो ये भी क्या होगी, स्टडी ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, किसी को सांकेतिक भाषा में दर्शाया गया है उस रिप्रेजेंटेशन की स्टडी करना ही आपका क्या कहलाता है, आइकनोलॉजी। अब एक वर्ड और याद आ रहा है मुझे, साथ में ही लिख लेती हूँ, डिमिनोलॉजी, डिमिनोलॉजी, डेमोनोलॉजी में बहुत वर्ड सामने आ रहा है, डेमन, डेमन का मतलब क्या है, डेविल्स, इविल स्पिरिट्स, इविल स्पिरिट्स होते हैं, उनकी स्टडी करने को ही क्या बोलते हैं, डेमोनोलॉजी, स्टडी ऑफ डेविल्स, राक्षस, बुरी आत्माएं, उनकी स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, डेमोनोलॉजी। अब हम अपने वीडियो के लास्ट तीन वर्ड्स की तरफ चलते हैं, जिनको मैं कहूंगी वीडियो ऑफ द वर्ड्स, उसके बाद हमारे लॉजी के मोस्टली वर्ड्स ऑफ द वीडियो मैंने दिया है डक्टाइलोलॉजी, डक्टाइलोग्राफी, डक्टाइलोलॉजी और डक्टाइलोग्राफी। अब ग्राफी वर्ड है इसीलिए मैंने एक वर्ड लिख लेती हूँ, क्या आपका, ग्राफोलॉजी। देखो ग्राफोलॉजी, ग्राफ वर्ड हमने जहां पढ़ा था ग्राफ वर्ड हम यूज करते हैं राइटिंग के लिए, किसके लिए, हैंड कैलीग्राफर पढ़ा था जिसकी अच्छी है, ब्यूटीफुल राइटिंग है, कैकोग्राफर पढ़ा था जिसकी क्या है, अगली राइटिंग है, जो अगली वर्ड लिखता है, तो ग्राफोलॉजिस्ट हम यूज कर रहे हैं राइटिंग के लिए, तो आपका ग्राफोलॉजी क्या हो गया, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, क्या हो गया आपका, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। आप देखो ये क्या है, डक्टाइलोग्राफी, ग्राफी मतलब राइटिंग, डक्टाइलो वर्ड हम यूज करते हैं फिंगर्स को यूज करना, फिंगर्स को यूज करना, अगर फिंगर्स को आपने राइटिंग में लिया, अगर फिंगर्स को राइटिंग में लोगे तो क्या आएगा, फिंगर का प्रिंट आएगा, तो ग्राफी मतलब राइटिंग, डक्टाइलो यूज करते हैं हम फिंगर्स के लिए, फिंगर्स की राइटिंग मतलब फिंगर्स की राइटिंग क्या होगी आपकी, फिंगर प्रिंटिंग, तो यही क्या है आपकी, स्टडी ऑफ फिंगर प्रिंट्स, स्टडी ऑफ आपका क्या हो गया ये, फिंगर प्रिंट्स। और डक्टाइलोलॉजी क्या है, डक्टाइलो वर्ड्स मैंने कहा फिंगर्स को, फिंगर्स से कुछ यूज करना ही क्या कहलाते हैं, हम डक्टाइलो वर्ड उसके लिए करते हैं, अब उसकी स्टडी करना, तो इसको हम कहेंगे डक्टाइलोलॉजी को, सांकेतिक भाषा को स्टडी करना, मतलब देखो जब कोई जो आपका डीफ होता है उसको क्या है, सुनाई नहीं देता है वो, तो उसको हम क्या है, उसे कैसे कमेंट करते हैं, हाथों के सारे, हम क्या है, हाथों के इशारों से हम उसको क्या है, बातों को कन्वे करते हैं, तो उस टेक्निक को किसके साथ हम कम्युनिकेशन कर पाए फिंगर्स के थ्रू, उसी को हम क्या कहेंगे, डक्टाइलोलॉजी। तो क्या हो जाएगा आपका, स्टडी ऑफ टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय फिंगर्स, जब फिंगर्स के साथ लोदी जुड़ा तो हम करें फिंगर्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसकी स्टडी, और जब डक्टाइलो का ग्राफी जुड़ा तो मतलब फिंगर्स का राइटिंग मतलब फिंगर प्रिंट्स की स्टडी, और ग्राफोलॉजी आपका क्या होता है, स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ राइटिंग्स। और अभी इसी के साथ एक वर्ड मुझे और याद आ रहा है, कॉस्मोलॉजी, इसके साथ ही हम लॉजी वाले पार्ट को खत्म करेंगे, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स में क्या चेंज हो रहा है, हेवनली बॉडीज में क्या चेंज हो रहा है, वो कैसे ओरिजिन हुआ, उस सब की स्टडी को हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। एस्ट्रोलॉजी में पढ़ रहे थे प्लेसमेंट के थ्रू आपके ऊपर उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, कॉस्मोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन को स्टडी करना क्या कहलाता है, कैसे उसका ओरिजिन हुआ है, कैसे उसमें चीजें चेंज हो रही हैं, उसको कहेंगे हम कॉस्मोलॉजी। अब इसके साथ मेरे पास आज लॉजी के वर्ड्स तो हम इतने ही रखेंगे, बहुत अच्छे वर्ड्स किए हैं, इनको बहुत अच्छे से याद करना, मैं उम्मीद करती हूँ आपको याद हो भी गए होंगे, बहुत प्यारे वर्ड्स हैं। अभी इस वीडियो के बाद मैं आपको दो क्वेश्चन दूंगी भी, जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करने हैं, भूलना नहीं है, अच्छे वर्ड्स दे रही हूं। और उसके बाद मेरे को जो मैंने पिछली वकैब्स की वीडियो की थी उसके पास मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे थे कि मैम उनके आंसर बता दो, उनको एक बार डिस्कस कर लो, तो वो मैं अभी आपके सामने वो सारे वर्ड्स एक बार लिख दूंगी, उसके आंसर हम एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। और वर्ड्स को बहुत ध्यान से देखना है, जितने पीछे वर्ड्स हो गए बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, और जितने क्विज हो रहे हैं, पोल हो रहे हैं, उसका आंसर रोज दिया करो। आपके हमारे चैनल में
जो आपका भी है हमारा भी है, उस चैनल पे रोज एक मैथ का क्वेश्चन और एक इंग्लिश का क्वेश्चन आपके सामने आता है, उनका आंसर जरूर दिया करो और उसके आंसर गलत मत दिया करो, क्योंकि वो क्या है फ्रीक्वेंटली यूज, जितने क्वेश्चन आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं वहां से दिए जाते हैं और वो वर्ड्स करा भी चुके हैं, उनका बहुत सही आंसर दिया करो, पर गूगल करके नहीं देना है, क्योंकि क्या है पेपर में गूगल नहीं होता है, जो आपको समझ में आ रहा है उसके हिसाब से आंसर दो और उसको फिर क्या है स्टडी करो, गलत है तो भी, और उसके 2 से 3 दिन के बाद उसका आंसर उसी के कमेंट बॉक्स में पिनअप भी किया जाता है। तो चलो अभी आपके मैं वर्ड्स एक बार लिख देती हूँ, फिर उनको आपके सामने क्या है डिस्कस करती हूँ। तो ये आपके क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे पूछे थे। फर्स्ट था फियर ऑफ एनक्लोज्ड इन क्लोज स्पेस, मतलब बहुत ही नैरो स्पेस में क्या है एनक्लोज होना हो जाने का डर, क्या होता है आपका क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्या होता है आपका क्लॉस्ट्रोफोबिया, एगोरो क्या होता है ओपन प्लेसेस का पब्लिक का डर, और जीनोफोबिया क्या होता है फॉरनर का डर। नो गवर्नमेंट मतलब जहाँ पे कोई रूल नहीं है, किसी का राज नहीं है, वो क्या होता है आपका एनार्किस्ट बोलेंगे, हमारे पे सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है एनार्किस्ट, एनार्की से निकला है। और ऑटोक्रेसी क्या होता है, ये अभी मैंने पोल भी क्रिएट किया था और बहुत बच्चों ने गलत भी जवाब दिया था। ऑटोक्रेसी क्या होता है रूल ऑफ वन, वन का रूल मतलब तानाशाही है वहां पे। डिक्टेटर का मतलब क्या होता है जो तानाशाह है, जो अपनी ही चलाता है, तो ऑटोक्रेसी क्या होता है डिक्टेटरशिप भी बोल देते हैं इसको। वहां पे जो ऑप्शन में थे स्टेटोक्रेसी, बहुत बच्चों ने स्टेटोक्रेसी का आंसर दिया। स्टेटोक्रेसी क्या होता है, हमने क्रेसी के इतने वर्ड्स पढ़े हैं, स्टेटोक्रेसी क्या होता है रूल बाय मिलिट्री, और आपका एरिस्टोक्रेसी क्या होता है रूल बाय नोबल्स, और ऑटोक्रेसी क्या होता है आपका रूल बाय वन, रूल बाय डिक्टेटर, और आपका ओलिगोक्रेसी क्या बताया था रूल बाय फ्यू पीपल, और नक्सली का नक्सली पीपल होते हैं, नक्सलाइट किससे निकला है नक्सली पीपल के लिए। एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे लोगों की एक साथ हत्या कर देना, मतलब रेस को खत्म कर देना या नरसंहार कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं जीनोसाइड, क्योंकि पेरिसाइड तो क्या होता है आपका पेरेंट्स की हत्या, रेगिसाइड होता है राजा या रानी की हत्या, और जीनोसाइड क्या होता है बहुत सारे लोगों की एक साथ हत्या कर देना, तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा आपका जीनोसाइड। अगला क्वेश्चन था वन हु लव्स बुक, देखो ये अच्छा वर्ड है, देखो बिब्लियो वर्ड बुक्स के लिए यूज करते हैं, चारों में बिब्लियो यूज है, पर देखो बिब्लियोफोब आपने पढ़ा है, बिब्लियोफाइल आपने पढ़ा है, पर बिब्लियोफेगिस और बिब्लियोग्राफ ये बहुत अच्छे वर्ड है, ये भी बिब्लियो मतलब सारे हैं बुक्स के ही, बुक्स के ही रिलेटेड ही आपके क्या है सारे वर्ड्स हैं। बिब्लियोफोब क्या होता है डर, किसका बुक्स का, और बिब्लियोफिल, फिल मैंने बताया था लवर, और फोब मैंने बताया था डर, बिब्लियोफोब क्या हो गया डर ऑफ बुक्स मतलब फियर ऑफ बुक्स, बिब्लियोफाइल क्या हो गया आपका डर लव ऑफ बुक्स, हु लव्स बुक। बिब्लियोफेगिस्ट क्या होता है, देखो बिब्लियोफेगिस्ट होता है वन हु लव्स टू रीड बुक, जिसको बुक पढ़ना बहुत पसंद है। बिब्लियोफिल का मतलब क्या है जिसको बुक बहुत पसंद है, जिसको बुक को पढ़ना बहुत पसंद है, माइनर सा डिफरेंस है। अगर यही क्वेश्चन होता वन हु लव्स टू रीड बुक, रीड बुक होते ही आंसर बिब्लियोफिल नहीं होता, कहां हो जाता बिब्लियोफेगिस्ट हो जाता। तो ये बहुत क्लोज वर्ड थे, इनका ध्यान रखना है। देखो अगर बिब्लियो वन हु लव्स बुक्स था, सब आंसर लगाते हैं बिब्लियोफिल, अगर वन हु लव्स टू रीड बुक्स होता तब भी मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चे क्या है इसको आंसर लगा के आते, पर लव्स टू रीड बुक में आंसर क्या होगा बिब्लियोफेगिस्ट। और बिब्लियोग्राफी क्या होता है, ग्राफी का मतलब बताया राइटिंग से रिलेटेड होता है, तो बिब्लियोग्राफी मतलब जितनी भी आपकी बुक्स होती हैं उनकी क्या है एक लिस्ट क्रिएट करना, जो आप कहते हैं लाइब्रेरी होता है उसमें एक बिब्लियोग्राफी की जाती है, मतलब जितनी बुक्स हैं उनकी क्या होती है एक लिस्ट होती है, कितने भी स्कॉलर्स होते हैं जिनके पास जितनी बुक्स होती हैं उनकी क्या की जाती है एक लिस्ट मेंटेन की जाती है, उसी को क्या कहते हैं हम बिब्लियोग्राफी। स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, इसका आंसर क्या था एक्सटेम्पोर था आपका। इम्प्रोम्प्टू भी मैंने इसका मीनिंग बताया था पिछली वीडियोस में, हम ये सारे वर्ड्स कवर कर चुके थे। तो ये तो वर्ड्स थे आपके जो मैंने आपसे पूछे थे, जिसका आंसर बहुत ने सही भी दिया है, कुछ लोगों ने गलत भी दिया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो था जो पोल में क्रिएट किया गया था, हिरसे का वर्ड हिरसे जो क्या था कॉन्ट्रेरी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्रिन्स, मैक्सिमम लोगों ने उसका क्या है आंसर गलत दिया था, जिसमें जबकि इतनी कंफ्यूजन वाली भी बात नहीं थी, अभी हमने पढ़ा भी था। हिरसे मतलब क्या बताया था मैंने, हिरसे बताया था कि जो क्या है पॉपुलर बिलीफ का किसी धर्म का क्या कर रहा है ऑपोजिट बोल रहा है, उसका क्या कर रहा है कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या है उसके ऑपोजिट बोल रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम
फिर से बोलते हैं। तो एक्सेप्टेड डॉक्ट्रिन्स का मतलब डॉक्ट्रिन्स क्या होते हैं, कोई भी ऑर्थोडॉक्स बिलीफ जो बहुत क्या है पुराने जमाने से चली हुई आ रही है, जैसे मूर्ति पूजा है पुराने जमाने से हम इस प्रथा को एक्सेप्ट करके चलते हुए आ रहे हैं। तो डॉक्ट्रिन क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम चेंज नहीं करना चाहते हैं, जो क्या है हमने एक्सेप्ट कर ली है। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, जो उसके ऑपोजिट है, जो उसके कॉन्ट्रेरी बोल रहा है, उसका आंसर क्या होगा आपका, हेयरसे होगा, कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होगा। बहुत बच्चों ने उसका आंसर कॉन्ट्रोवर्सी लगाया है। कॉन्ट्रोवर्सी क्या होता है, हीटेड आर्ग्यूमेंट, जहां पे क्या हो रहा है कि हम उस आर्ग्यूमेंट से सहमत नहीं है, तो वो चीज हमें क्या है कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। तो हीटेड आर्ग्यूमेंट को कॉन्ट्रोवर्सी है, कॉन्ट्रोवर्सी बोलते हैं। जो हिरसे क्या होता है आपका, किसी भी एक्सेप्टेड डॉक्ट्रिन्स किसी भी धर्म की अपोजिट बोलना क्या कहलाता है आपका, हिरसे कहलाता है। ब्लास्फेमी सिर्फ धर्म से रिलेटेड होता है, उसी का वाइड रेंज आपका कहां चला जाता है, हिरसे। ब्लास्फेमी दूसरे के लिए होता है, दूसरे के धर्म के लिए होता है, हिरसे क्या अपने धर्म के लिए भी हो सकता है, पॉपुलर बिलीफ के लिए हो सकता है, किसी जाति के नाम पर किसी भी एक्सेप्टेड बिलीफ के अपोजिट जो होगा वो क्या होगा आपका, हिरसे होगा। पिछली वीडियो आप आराम से अच्छे से देख के आइए, जिसने ये गलती की है, गलतियां मत करो। हम यहाँ पे वकैब का सेक्शन इसीलिए कर रहे हैं कि आपकी गलतियां ना हो, इन चीजों को आप बहुत अच्छे से याद करो। जितने वर्ड्स आज हमने लॉजी के पढ़े हैं उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। जो अगर उससे बाहर कोई वर्ड आता भी है वो आप बहुत आसानी से निकाल लो, क्योंकि जो बाकी ऑप्शन होंगे ना उसके मीनिंग आपको आते होंगे, क्योंकि हमने इतने वर्ड्स पढ़े हैं। ठीक है, अभी मैं आपके सामने आज लॉजी वर्ड्स के दो क्विज देने जा रही हूँ, दो क्वेश्चन देने जा रही हूँ, उसके कमेंट सेक्शन में आपको आंसर ड्रॉप करने हैं। ठीक है, चलो आपके लिए मैं आपकी क्विज लिख देती हूँ। और आज की आपकी क्विज के क्वेश्चन ये रहे, स्टडी ऑफ बोन्स, ओरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ओओलॉजी और ओलॉजी और पेडागोजी, और वन हु लव्स मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट। ये वर्ड्स देखो, इनमें कुछ ऐसे ऑप्शंस मैंने रखे हैं जिसको मैंने अभी वीडियो में कवर नहीं कराया, जानबूझ के नहीं कराया है, क्योंकि अब आप ध्यान से देखोगे इतने वर्ड्स हमने किए हैं कि आपको ये नहीं कराया है या ये नहीं कराया, इसके बावजूद आप करेक्ट आंसर पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपको इनके ऑप्शन में से मैक्सिमम आंसर का मतलब पता है। इसीलिए मैंने ये कुछ वर्ड इसीलिए छोड़े थे ताकि आप फिर से आसान से उन क्वेश्चनों के पास पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो एक बार इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करना है। लॉजी के वर्ड्स बहुत अच्छे तरीके से हमने किए हैं, उन सबको अच्छे से याद करना है, और वोकैब को जितनी वीडियोस के साथ सारे वर्ड्स ऐसे याद हो जाने चाहिए कि उनको फिर आप ना बोलो, क्योंकि हम वोकैब कर ही इसीलिए हैं कि हम उस चीज को विजुअलाइज करके पढ़ें, कि अगर बुक्स या हम इन चीजों को पढ़ते हैं तो इन चीजों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, पर हम विजुअलाइज कर रहे हैं, कोई हमें बता रहा है, पढ़ा रहा है, तो उसके बाद वो चीजें हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती है। जैसे मूवी बहुत जल्दी से हमें क्या रखनी नहीं पड़ती, पर बुक से कुछ पढ़ते हैं तो वो रखना पड़ता है। इसीलिए आपको वोकैब सेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है कि आपकी वोकैब आपको अच्छी तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जितने भी पोल्स क्रिएट किए जा रहे हैं वो आपके लिए ही क्रिएट किए जा रहे हैं, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो उनका जरूर आंसर किया करो, एक्टिव रहा करो। अब जैसे कि लॉकडाउन अभी आगे बढ़ रहा है तो हो सकता है हमारी क्लासेस ऑफलाइन आगे जल्दी कंटिन्यू ना हो, इसीलिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं ई प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी पढ़ाई का लॉस ना हो। तो इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है, पढ़ते रहना है, आपको जो समय मिला है उस समय का सदुपयोग कीजिए, और रामायण से अच्छी अच्छी चीजें सीखिए, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी अच्छे से मेहनत कीजिए और अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए इस तरीके से तैयार हो जाए कि वो कभी भी एग्जाम ले आप उस चीज के लिए हर तरीके से रेडी हो। इतना ही कह के आज वीडियो की समाप्ति करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वर्ड समझ में आए होंगे। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए।